खरी फाटक ब्रिज पर चल रही खींचतान के बीच विधायक को ना बुलाने का आरोप। कार्यकर्ताओं के साथ शुभारंभ स्थल पर दोबारा फीता काटने जाते वक्त विधायक को पुलिस ने रोका। पुलिस और प्रशासन विधायक सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को किए नजरबंद। विधायक ने कहा, जनप्रतिनिधित्व कानून का प्रशासन द्वारा किया गया है उल्लंघन। कृषि उपज मंडी बरेपुरा में खरी फाटक की तीसरी लेक का शुभारंभ सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा किया गया। इसी मामले में विधायक शशांक भार्गव ने प्रशासन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधित्व कानून का प्रशासन द्वारा उल्लंघन किया गया, उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इसी बात की नाराजगी दर्ज करने और उद्घाटन स्थल पर पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वह नीमताल से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रास्ते भर में कई बार रोका, बाद में गिरफ्तार कर उन्हें अजाक थाने भेज दिया। विधायक के आरोपों का एसडीएम सतीश शर्मा ने खंडन करते हुए कहा है कि संबंधित एजेंसी द्वारा विदिशा विधायक भार्गव को विधिवत रूप से के साथ सम्मान से बुलाया गया था, लेकिन यह स्थिति विरोध होने से पहले विधायक के वाहन को रोक दिया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया कि विधायक को कार्यक्रम में जाने की अनुमति दी जा रही थी, लेकिन वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचना चाहते थे, जिसके चलते उन्हें रोका गया। तो एक तरफ आप कह रहे हो फोन किया है, दूसरी तरफ आप रोक रहे हो, गिरफ्तार कर लो, गाड़ी में बैठा रहे, शर्म आना चाहिए यार। आप कानून के ज्ञाता हो, कम से कम ऐसा कानून व्यवस्था के जवाबदार आप हो। आप कानून व्यवस्था में आप पांच व्यक्ति को रोकने का काम कर रहे हैं और इसके बाद आप मुझसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था आप लोग बिगाड़ रहे हैं। आप सबको नोटिस दिलवाऊंगा मैं। एक झूठा बोल रहे हैं, एसडीओ कौन होता है? एसडीओ मुझे फोन करने वाला, क्या उसने मुझे लिख दिया क्या? मतलब शर्म आना चाहिए यार। आप एसडीओ हो गए, ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे? कानून आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, और जनप्रतिनिधि कानून आपने ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा है। मेरी बात अब आप मैं तो कितने पुलिस के ऊपर गुंडागर्दी कर रहा और आप लोगों से कह रहा है कि रोक दो से। शर्म आना चाहिए आपको, पुलिस की वर्दी की तो कम से कम आप ना करते हो। ऐसे नहीं जाऊंगा, पुलिस को आगे करता है, अच्छा गाड़ी लगवा सर। चलो ये गाड़ी ले आओ, ये वाली आप इसमें आ जाइए विधायक जी, आप इसमें आ जाइए। एक मैंने खबर दी थी कि 5 तारीख से पहले अगर थर्ड लेग का उद्घाटन सरकार ने नहीं किया तो मैं स्वयं कर दूंगा। कलेक्टर महोदय ने उसे संज्ञान में लिया और मेरी जगह सांसद जी को बुला लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सांसद जी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इतनी डरी हुई निकम्मी सरकार है ये कि विधायक को टेलीफोन पे इनवाइट करना तक नहीं ठीक समझ रही, और इसके बाद
ये कह रहे हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। जनप्रतिनिधि कानून शायद आज के ना तो नेताओं ने पढ़ा हो, इनको भी भुला दिया जो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। एक एक की खबर लूंगा और एक एक की को नोटिस दूंगा कि इन्होंने मुझे किस धारा के तहत कब गिरफ्तार किया। और अभी मैं जा रहा हूं जेल, जमानत नहीं लूंगा। जमानत सरकार अगर खुद ही करेगी तो लेगी, मैं चाहे मर जाऊं जेल में लेकिन जमानत नहीं लूंगा। इनको आगाह कर रहा हूं आपके माध्यम से। ये मतलब इतनी जबरदस्त गुंडागर्दी शिवराज के राज में कि पुलिस मुझे रोक रही है विधायक होते हुए। कौन प्रतिनिधि होता है राज्य सरकार का? राज्य सरकार के प्रतिनिधि का क्या हक होता है? ना SDM जानते, ना TI जानते, ना CSP जानते। वो कह रहे हैं भाई साहब आपको गिरफ्तार करने का आदेश हो गया, तो मैं आदेश पे भी चैलेंज करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन ये बात तय है कि जिन जिन लोगों ने शासन प्रशासन शिवराज के गुंडे गुर्दों के दबाव में ये काम किया वो भी सजा के दोषी होंगे और करवाने वाले भी होंगे। मुझे बुलाया नहीं उद्घाटन में, मैं जा रहा था उद्घाटन करने थर्ड लेग का, तो पुलिस ने रोक दिया कि हम कानून में उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप ये कोर्ट में बताएंगे कि मैं क्या उल्लंघन कर रहा हूँ? अभी अगला कदम आपका क्या है? मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे गिरफ्तारी का आदेश हुआ है और मैं जमानत नहीं लूंगा ना मुचलका भरूंगा, ये आपसे कह के जा रहा हूँ। रोपण का कार्यक्रम था खरी फाटक थर्ड लेग का, तो उसमें माननीय विधायक जी और उनके साथ करीब 70-80 व्यक्ति वहाँ पर जबरदस्ती जाकर उसका उद्घाटन करने की घोषणा कर रहे थे। इस बात को लेके उनके लिए समझाया गया था, उनको विधि अनुसार SDM साहब द्वारा सम्मान कार्यक्रम में जाने के लिए बोला गया था, परंतु वो उनकी इच्छा ठीक है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और जाए और वहाँ पे चूँकि कोई भी न्यूसेंस होने की संभावना थी, अतः उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से जाने से रोक जी का आरोप था सर कि हमें बुलाया नहीं गया कार्यक्रम में सर। अब इस संबंध में प्रशासन बता सकता है, जैसे SDO PWD जो भी या जिनका भी है उनका कहना है कि उन्हें सूचना दी है, परंतु विधायक जी का कहना है कि उनको सूचना नहीं मिली।